हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर से चूहे भगाने की बहुत ही आसान सी ट्रिक और बहुत ही सिंपल तरीके से। चूहे तो अक्सर सभी के घरों में आ ही जाते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं, तो हमारे महंगे कपड़े जो हमारी वुडन काट की अलमारी होती है उनको, हमारे सोफ़ा, इन सब महंगी महंगी चीज़ों को काट देते हैं और बहुत नुकसान कर देते हैं। बाज़ार में चूहा मारने की दवा तो मिलती है लेकिन वो सेफ़ नहीं होती है। जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो गोली बच्चे उठा के खा सकते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज हम चूहा भगाने की जो दवा है वो घर पे तम्बाकू से बनाएंगे। जो गुटखा खैनी खाते हैं वो तम्बाकू, ये हमारे घर में जो हुक्का पीते हैं बड़े लोग वो तम्बाकू है। आपके पास जो भी तम्बाकू अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो, नहीं हो तो बाज़ार से पैकेट आता है वो मंगवा के ले सकते हो। इसमें नशा होता है तम्बाकू में, तो इसमें हम एक चीज़ मिलाएंगे, थोड़ा सा देसी घी, आधा चम्मच देसी घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देसी घी मिलाने से होगा ये कि जो तम्बाकू की स्मेल है वो कम हो जाएगी और घी की स्मेल है वो आएगी, तो इससे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप सोच रहे हो देसी घी, भाई चूहे भगाने हैं तो थोड़ा सा देसी घी तो यूज करना ही पड़ेगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच, ये गुड़ है इसको कूट के लिया है, इससे तम्बाकू में मतलब अच्छा सा मिठास भी आ जाएगा और बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी और तम्बाकू की स्मेल भी नहीं आएगी, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चूहों को लोग मारना भी नहीं चाहते क्योंकि भगवान गणेश की सवारी है तो हम उसको पूजते हैं, तो हम उन्हें मारते भी नहीं हैं, तो इस वजह से इन्हें घर से भगाने की सबसे आसान सी ट्रिक है। और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो झट से घर से भाग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा गुड़ भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तीसरी चीज़, ये यहाँ पे लिया मैंने एक चम्मच बेसन। बेसन से अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी और आटे की स्मेल से चूहे इसकी तरफ आएंगे। पहले मैंने ये ट्रिक मेरे घर में अप्लाई करके देखा है, तब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये मिक्स हो गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच और देसी घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। घी से थोड़ा और बाइंडिंग आ जाएगी, भाई ज़्यादा घी नहीं लगेगा, आधा से पौना चम्मच ही घी लगेगा। तो यहाँ पे बेसन, घी और तम्बाकू सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें अब आधा चम्मच डालेंगे पानी, सिर्फ आधा ही चम्मच डालना है जिससे इसमें बाइंडिंग अच्छे से आ जाए और जो गुड़ पिघलेगा तो वो पानी छोड़ देगा। तो अब हम इसमें एक चम्मच और बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालना थोड़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा घी नहीं लगे और इसमें बाइंडिंग भी अच्छे से आ जाए। बस और कुछ नहीं डालना है, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चूहे तो अक्सर सभी के घरों में होते ही हैं और वो भागते भी नहीं हैं, हमारी बहुत महंगी महंगी चीज़ों काट देते हैं, बहुत सारा नुकसान भी कर देते हैं और उन्हें मारने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा एक बार, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके घर के चूहे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो भाग जाएंगे घर से। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेते हैं और फिर इसकी हम बना लेते हैं गोली। एक टुकड़ा उठाएंगे, गोल गोल हाथों में घुमाते हुए इस तरह से छोटी छोटी गोली बना लेंगे। आप जिस साइज़ की गोली बनाना चाहें आप उस साइज़ की बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सभी गोलियाँ बना ली हैं और देखो तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इन्हें डालना है। जिस जिस भी जगह पे चूहे हों, जैसे नाली, वॉश बेसन, जहाँ से उन्हें भागने का रास्ता मिले वहाँ वहाँ पे डालना, क्योंकि गोली खाने के बाद उन्हें थोड़ी बेहोशी टाइप आएगी, उनका मन है वो परेशान होगा, वो घर से भाग निकलेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा भी होती है, तम्बाकू में थोड़ा सा नशा भी होता है, तो इस वजह से वो खाने के बाद घर से तुरंत भाग जाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।